आज स्वर्गीय डॉक्टर नायक की अस्थि कलश विसर्जित कर दी गई। स्वर्गीय डॉक्टर नायक की अस्थि कलश यात्रा रायगढ़ के लिए रवाना हुई। रायगढ़ पहुंचने से पहले पुसौर, गोंडा तराई, छाता मुड़ा एवं अन्य सभी जगह उनके समर्थकों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। अस्थि कलश लेकर रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक स्वयं पहुंचे। जैसे ही रायगढ़ के कबीर चौक यात्रा पहुंची, वहां भारी संख्या में डॉक्टर नायक के समर्थकों ने अपनी नम आंखों से अपने चहेते नेता को श्रद्धांजलि दी। सभी ने फूल मालाएं अर्पित कर अपने दिवंगत नेता को याद किया। सभी की आंखें नम, सभी उनके किए गए कार्यों की चर्चा कर रहे थे। कलश यात्रा रायगढ़ के जिला कांग्रेस कमेटी पहुंची, क्योंकि इस कांग्रेस कमेटी भवन को बनाने में काफी बड़ा योगदान डॉक्टर नायक का रहा है। इसी के मद्देनजर उनके समर्थकों के आग्रह पर आज उनके अस्थि कलश को कुछ देर विश्राम करने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी में रखा गया, जहां उनके समर्थकों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर शंकराजीत नायक का अस्थि कलश यात्रा अपने गृह ग्राम नवापाली से सरिया होते हुए पोरत धाम पहुंचा अस्थि विसर्जन के लिए। उनकी अस्थियों को उनके पुत्र विधायक प्रकाश नायक और जिला पंचायत सदस्य कैलाश नायक अपने परिवार के सदस्यों के साथ लेकर पोरत धाम पहुंचे। पोरत धाम पहुंचने से पहले सरिया एवं अन्य सभी गांव में उनके समर्थकों द्वारा नम आंखों से अपने चहेते दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। सभी ने अस्थि कलश पर फूल मालाएं अर्पित की। फिर पोरत धाम पहुंचने पर पूरे रीति रिवाजों के साथ उनकी अस्थियों का विसर्जन किया गया, क्योंकि पोरत से उनका एक अलग ही नाता रहा है। पोरत धाम को विकसित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, इसलिए उनकी अस्थि कलश यहां विसर्जित की गई। देखिए नेताजी और परिवार जो भी काम शुरू किया है, पोरत से किया है। आज पापा की इच्छा थी उनका अस्थि का अंतिम यही हो, अस्थि विसर्जन, तो आज उनको यहाँ अस्थि विसर्जन कर रहे हैं। हमारे रायगढ़ के लोकप्रिय विधायक जी के पिता जी का अंतिम दर्शन के लिए यहाँ लाया गया था। आज इलाहाबाद लेके जा रहे थे, तो थोड़ा देर विश्राम किए यहीं लाए थे, और हमारे कांग्रेस परिवार, कांग्रेस कार्यालय ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और दर्शन किए, और फिर उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम लोग फॉलो किए हैं, मास्क का सैनिटाइजर भी करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आज वैसे जिला कांग्रेस कमेटी का कोई कार्यक्रम नहीं था। आज लोकप्रिय विधायक, हमारे प्रेरणा स्रोत पूर्व मंत्री डॉक्टर शंकराजीत नायक जी का अस्थि कलश लेकर लोकप्रिय विधायक प्रकाश नायक जी इलाहाबाद जा रहे थे, तो हम लोगों ने निवेदन किया कि हमारे इस कांग्रेस भवन में उनका अस्थि कलश थोड़ी देर विश्राम के लिए रखा जाए। और आपको बताना चाहूँगा कि इस भवन के निर्माण में बहुत अहम भूमिका डॉक्टर शंकराजीत नायक जी ने निभाई थी, और हम सभी कांग्रेसियों की बड़ी इच्छा थी कि उनके अस्थि कलश के दर्शन करें, उनको पुष्पांजलि अर्पित करें। तो आज हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कोविड नियमों का पालन करते हुए उनको पुष्पांजलि अर्पित की है और उनके अस्थि कलश को प्रणाम किया है। समय न्यूज़ के लिए रायगढ़ से संजय सारथी की रिपोर्ट।